नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्किटेक्ट लोकेश। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अब मैंने नई सीरीज चालू की है जिसमें मैंने हिंदी में घर बनाने की पूरी जानकारी और कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए और घर बनाने में लगने वाली लागत को कैसे कम किया जा सकता है ये भी बताया है। तो ये मेरी इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें जिसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। वॉट इज़ फाउंडेशन? फाउंडेशन को हम घर की नींव भी बोलते हैं। जैसे हमें चलने के लिए पैरों की और वृक्षों को खड़े रहने के लिए जड़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक मकान को खड़े रहने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। ज़मीन की मिट्टी के प्रकार पे हमें फाउंडेशन डालनी पड़ती है। यदि मिट्टी पीली है और खुदाई करने पर 4 से 5 फीट पे पथरीली ज़मीन या ठोस ज़मीन लग जाती है तो हम स्टे फाउंडेशन का उपयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। और यदि मिट्टी काली और खुदाई के 10 से 12 फीट बाद ठोस ज़मीन लगती है तो वहाँ हम पाइल फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। आगे इमेजेस में मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। तो फाउंडेशन में जो सीमेंट कंक्रीट यूज़ होता है उसका स्टैंडर्ड रेशो M25 का होता है, जो कि 1:1:2 का होता है, जहाँ 1 बैग सीमेंट, 1 बैग सैंड और 2 बैग एग्रीगेट, जिसे हम हिंदी में गिट्टी भी कहते हैं। तो ऊपर वाली इमेजेस में मैंने स्टे फाउंडेशन, जिसे हाथी पाँव कहते हैं, उसके टाइप और बनने के बाद वो कैसे दिखती है वो दिखाया है। और नीचे वाली 3 इमेजेस में मैंने पाइल फाउंडेशन के बारे में डिटेल दी है कि पाइल फाउंडेशन कैसे एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के बाद कैसे उसमें जाल बनता है, और सबसे लास्ट वाली इमेज में जाल बनने के बाद उसमें सीमेंट कंक्रीट डालते हैं तो वो कैसी दिखती है। अब बात करते हैं फाउंडेशन बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, कॉलम लेआउट मार्क करते समय गुनिये का ध्यान अवश्य रखें। मतलब अगर आपका कॉलम लेआउट आयताकार है तो सभी कॉर्नर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, फुटिंग का जाल ड्राइंग के अनुसार ही बनाएं, और जाल कभी भी PCC, PCC के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो PCC पे कवर ब्लॉक या मार्बल चिप्स की सहायता से 1 या 1.5 इंच ऊपर उठाकर रखें। इसे मैंने आगे इमेज में समझाया है। यदि आप पूरी ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कॉर्नर कॉलम में जाल कॉर्नर में तथा साइड कॉलम में जाल एक साइड में ही आएगा, और इसकी फुटिंग में बीम जरूर दे। इसे भी मैंने आगे इमेज में समझाया है। ये पहली इमेज में मैंने आपको बताया है कि कॉर्नर कॉलम में कैसे फुटिंग में बीम दी जाती है, और दूसरी इमेज में मैंने प्रैक्टिकली तौर पे बताया है कि साइड कॉलम में फुटिंग में कैसे बीम दी जाती है। ये बीम आपके घर के भार को, घर के लोड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ज़मीन में फुटिंग के थ्रू। इन इमेजेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कैसे कवर ब्लॉक या मार्बल चिप्स का उपयोग करके आप सरिये को 1 या 1.5 इंच ऊपर उठा सकते हैं। कवर ब्लॉक का उपयोग सभी जगह करना चाहिए जहाँ पे सरिया और सेंटरिंग का उपयोग हो रहा है।